स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल, मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि वाकई में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, यानी कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी आज हम आपको देंगे, जिसमें एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट ने मिशन प्रारंभ के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भर ली है। कल श्रीहरिकोटा से प्राइवेट सेक्टर के पहले रॉकेट विक्रम एस ने सफल उड़ान भरी और इस रॉकेट को हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर विक्रम एस ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ये अनंत आकाश में भारत की कामयाबी का नया प्रारंभ है। ये अंतरिक्ष में सफलता का परचम लहरा चुके हिंदुस्तान के नए मिशन का आगाज है। ये अंतरिक्ष में भारत के प्राइवेट सेक्टर की पहली उड़ान 20 नवंबर 1967 को स्वदेशी रॉकेट रोहिणी 75 के साथ पहली बार अंतरिक्ष का दरवाजा खटखटाने वाले भारत के लिए आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। आज पहली बार भारत के प्राइवेट सेक्टर के रॉकेट ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। आज से पहले तक हमारे देश में केवल इसरो के अंतरिक्ष यान ही पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में जाते रहे हैं, लेकिन आज विक्रम एस यानी विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के साथ भारत ने प्राइवेट सेक्टर की स्पेस रेस में अपना पहला कदम बढ़ा दिया। इसरो फॉर पुटिंग इंडिया एज अ फ्रंट लाइन नेशन इन द ईयर्स टू कम एंड अ नेशन टू विच others would look forward to, vital cues in the journey of space sector. इसके लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। काउंटडाउन जारी था, सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। पूरे देश की निगाहें श्रीहरिकोटा पर टिकी थी। सुबह जैसे ही घड़ी की सुई ने 11:30 बजाए, इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपने केंद्र से देश के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1, 0. इसके साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के एक नए युग की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही केवल 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। लॉन्च के साथ ही विक्रम एस ने आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। 140 सेकंड में विक्रम एस अंतरिक्ष की आरंभ रेखा यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई को पार कर गया। 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम एस ने 3 पेलोड सफलता से इजेक्ट किए, 89.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई हासिल की और फिर प्लान के मुताबिक श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लगभग 125 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल के समुद्र में स्प्लैश डाउन हो गया। आज तो एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इंडिया का पहले प्राइवेट सेक्टर का एक रॉकेट विक्रम एस, उसका नाम है और विक्रम एस स्टैंड्स फॉर विक्रम सब ऑर्बिटल, और ये रॉकेट को विक्रम साराभाई के लिए डेडिकेट किया है और इस रॉकेट का लॉन्च अभी सक्सेस हो गया। 80+ किलोमीटर एल्टीट्यूड में इस रॉकेट इट वेंट अप इन द स्काई और उसके साथ 3 पेलोड उसके साथ है 83 किलोग्राम का, उस पर स्पेस किड्स, एक आर्मेनियन पेलोड उसका नाम था बजुम क्यू और एन स्पेस, इन तीनों कंपनी का पेलोड के साथ इस रॉकेट ने आसमान को टच किया था। इस मिशन के दौरान लगातार फ्लाइट मॉनिटरिंग होती रही। स्पेस सेंटर की विशालकाय स्क्रीन पर विक्रम एस की उड़ान का हर डेटा डिस्प्ले होता रहा। स्पेस रूट और इसरो के वैज्ञानिक इस पर बारीकी से नजर बनाए रहे। लॉन्च के समय मौजूद लोग तालियों से लॉन्चिंग टीम का उत्साह बढ़ाते रहे। आई एम हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मिशन प्रारंभ, द बिगिनिंग ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस। This is a new beginning for Indian private sector entry into space and is a historic moment for all of us. 2020 में केंद्र सरकार के स्पेस इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद स्काईरूट ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कदम रखा था। इससे पहले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सिर्फ इसरो का ही दखल रहा, लेकिन अब स्काईरूट एरोस्पेस इस मिशन के साथ ही देश की पहली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी बन गई है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। रॉकेट के साथ 2 घरेलू और 1 विदेशी ग्रह के 3 पेलोड को भेजा गया। इसमें चेन्नई और आंध्र प्रदेश के 1-1 और आर्मेनिया का 1 पेलोड शामिल था। खास बात यह रही कि विक्रम एस की लॉन्चिंग बेहद किफायती रही। किफायती लॉन्चिंग की मुख्य वजह इसके ईंधन में किया गया बदलाव है।
आम ईंधन की बजाय इसमें LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया। ये किफायती ईंधन होने के साथ ही प्रदूषण मुक्त भी है। मिशन की कामयाबी पर स्काईरूट के दोनों फाउंडर्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट वी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री टुडे बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम। यस, the vehicle reached space to an altitude of 89.5 kilometers and completed the required mission objectives. This Prarambh mission, as the name signifies, is the beginning of a new era in the Indian space ecosystem. Team Skyroot dedicates this successful mission to Dr. Vikram Sarabhai, who boldly started the Indian space program in the 1960s, and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who unlocked the space sector to the private players. 10, 9, 8, 7, 6, 5. विक्रम एस के अंतरिक्ष में उड़ान एक तरह की टेस्ट फ्लाइट है। इसकी सफल उड़ान भारत के प्राइवेट स्पेस कंपनी की रॉकेट लॉन्चिंग में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसके साथ ही भारत दुनिया के तमाम चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो विक्रम एस के हम बात कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि विक्रम सीरीज में तीन रॉकेट हैं, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3, और इन तीनों की लॉन्चिंग से पहले विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग की गई है। आइए अब एक नजर विक्रम एस की खासियत पर भी डाल लेते हैं। विक्रम एस एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है और इसे स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने डेवलप किया है। विक्रम एस का वजन 545 किलोग्राम का है, जबकि इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई है 6 मीटर। विक्रम एस का पीक वैक्यूम थ्रस्ट 7000 किलो का है, जबकि इसकी पीक वेलोसिटी 5 मैक है। ये साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज है और विक्रम एस की पेलोड क्षमता भी काफी अच्छी बताई जा रही है। ये 83 किलो वजन को 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। इसका कोर स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर से बनाया गया है और यही वजह है कि ये वजन में हल्का है। साथ ही फ्लाइट के दौरान स्पिन स्थिरता के लिए इसमें 3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया है और इस कमाल के रॉकेट को 200 इंजीनियर्स की टीम ने 2 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। इसे बनाने वाली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस का ये दावा है कि इस कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे सस्ता रॉकेट है। और आइए बात करते हैं उस कंपनी की जिसने इस कमाल के कारनामे को अंजाम दिया है, स्काईरूट एरोस्पेस। जी हां, इसने लॉन्चिंग के साथ ही रॉकेट की रफ्तार से उड़ान भरी है। आइए आपको बताते हैं कि कदम दर कदम किस तरह स्काईरूट आज की कामयाबी तक पहुंची है। अगस्त 2020 की बात की जाए तो कंपनी ने अपने पहले लिक्विड प्रोपल्शन का सफल टेस्ट किया था और इसके बाद सितंबर 2020 में पूरी तरह से लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलने वाले क्रायोजेनिक इंजन धवन वन को 2 दिनों में तैयार किया। स्काईरूट अक्टूबर 2020 में दुनिया में सबसे सस्ते दाम पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए स्पेस लॉन्च व्हीकल कैटेगरी में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी जीत चुकी है। इसके बाद दिसंबर 2020 में स्काईरूट भारत की सॉलिड इंजन प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी, जबकि सितंबर 2021 में कंपनी ने इसरो के साथ एक समझौता किया जिसमें यह तय हुआ कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग में मदद करेगी। और इसके बाद नवंबर 2021 पर आते हैं जब कंपनी ने अपने पहले 3D प्रिंटेड अपर स्टेज लिक्विड प्रोपल्शन इंजन की सफल टेस्टिंग कर ली। इसके बाद जनवरी 2022 में कंपनी को गूगल के फाउंडिंग बोर्ड मेंबर राम श्रीराम से 34 करोड़ रुपए की सीरीज बी फंडिंग मिली है। कंपनी के अचीवमेंट्स को देखते हुए मई 2022 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर भारत सरकार ने कंपनी को टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अवार्ड भी दिया और मई 2022 में ही कंपनी ने विक्रम 1 रॉकेट के इंजन की सफल टेस्टिंग कर ली और स्काईरूट ने आखिरकार देश के पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करके इतिहास रच दिया।
वैसे आपको बता दें कि भारत भले ही इस स्पेस रेस में अब शामिल हुआ है, लेकिन दुनिया के कई अरबपतियों में अंतरिक्ष की ये दौड़ पहले से चल रही है। एलन मस्क से लेकर रिचर्ड ब्रेंसन और जेफ बेजोस तक सब अपनी अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनियों के मालिक हैं और ये सब अंतरिक्ष में अपनी मिशन पहले ही भेज चुके हैं। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि अब भारत भी प्राइवेट प्लेयर्स की इस रेस में शामिल हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष यानी एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर एक नया रहस्य है। यहां आकाश गंगाओं का समंदर है, वहीं चमक के तारों का तिलिस्म है। अंतरिक्ष की इस अनोखी दुनिया को करीब से जानने के लिए दुनिया भर के देश अपनी अपनी तरह से कोशिशें करते रहते हैं। आज भारत ने अंतरिक्ष की प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन हासिल किया है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। अब तक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजन, एलन मस्क की स्पेसएक्स और रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष में अपने अपने मिशन भेज चुकी हैं। ये तीनों कंपनियां लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने के मिशन में लगी हैं। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के शामिल होने से भारत भी स्पेस टूरिज्म में मजबूती से अपना कदम बढ़ा सकता है। यानी वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भी भारत की तकनीक का लोहा दुनिया मानेगी। भारत की तैयारी और स्पेस टूरिज्म के विदेशी खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर स्पेस टूरिज्म होता क्या है। धरती से स्पेस तक की यात्रा को स्पेस टूरिज्म नाम दिया गया है। इसमें स्पेस क्राफ्ट के अंदर से ही यात्रियों को अंतरिक्ष का नजारा दिखाया जाता है, अंतरिक्ष से अपनी धरती दिखाई जाती है। इस दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी के चलते यात्री प्लेन के अंदर हवा में ही रहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क स्पेस टूरिज्म के लिए अपनी कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानकारियां साझा करते रहते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजन भी स्पेस टूरिज्म की एक बड़ी खिलाड़ी है और शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट के जरिए लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा रही है। वहीं वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन भी लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजते हैं। अंतरिक्ष की सैर कराने वाली पहली कंपनी रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक है। वर्जिन गैलेक्टिक की पहली फ्लाइट ने 11 जुलाई 2021 को स्पेस में उड़ान भरी थी। लोगों को स्पेस में घुमाने फिराने के लिए ले जाने वाली दूसरी कंपनी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन की पहली फ्लाइट 20 जुलाई 2021 को स्पेस में गई थी। स्पेस में सैर कराने वाली तीसरी कंपनी एलन मस्क की स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स के जरिए यात्री 15 सितंबर 2021 को अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में सदियों से इंसान की दिलचस्पी रही है। सैकड़ों बरस पहले ग्रहों और तारों की चाल की गणना से विज्ञान और ज्योतिष के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाया गया। बड़े बड़े टेलीस्कोप से ग्रहों को बारीकी से परखने की कोशिशें की गई और अब अंतरिक्ष को करीब से देखने के लिए स्पेस टूरिज्म का दौर शुरू हो गया है। एलन मस्क स्पेस एक्स से अंतरिक्ष जाने की कीमत $55 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए है। स्पेस एक्स के जरिए यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के टिकट की कीमत $125 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए है। वहीं रिचर्ड ब्रेंसन के वर्जिन गैलेक्टिक के एक टिकट की कीमत $4.5 लाख यानी 3.67 करोड़ रुपए है। कई लोग अंतरिक्ष की सैर करके लौट भी आए हैं। खास बात यह है कि आने वाले दौर में स्पेस टूरिज्म और आसान होने वाला है। दुनिया में करीब 800 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष के फ्यूचर ट्रिप का टिकट बुक करा चुके हैं। इस यादगार सफर के लिए इन लोगों की ट्रेनिंग भी जारी है और ये लोग अंतरिक्ष की सैर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस समय इसरो दुनिया के 61 देशों के साथ अंतरिक्ष गतिविधियों के कई सेक्टर में काम कर रहा है। स्पेस टूरिज्म के साथ ही अंतरिक्ष में परचम लहराने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस के जरिए प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें स्पेस टूरिज्म भी शामिल होगा।
इन स्पेस एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगी जिसमें इसरो के सेंटर्स की टेक्निकल फैसिलिटीज और विशेषज्ञता को प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साझा किया जाएगा। यानी स्पेस के मल्टी मिलियन डॉलर बाजार में अब भारत भी मजबूत दावेदार बनकर उभरने में जुट चुका है। यूं कहें कि भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं से स्पेस टूरिज्म में दावेदारी ठोकने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इन रिपोर्ट्स के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।